Cheers. हाय गाइस, नमस्ते। नायर मेंशंस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी में करते हैं क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम हिंदी में है, तो मैंने सोचा आज हिंदी में ही बात करते हैं। ओके, सो ये है सच्ची सहेली एंड दिस इज़ एन आयुर्वेदिक मेडिसिनल टॉनिक, और ये बेसिकली आपके पीरियड्स में आपकी हेल्प करेगा। कैसे हो मैं आपको बताती हूँ। पीरियड्स अब एक हश हश वर्ड तो नहीं है, पीरियड्स के बारे में सब लोग काफ़ी ओपन हो गए हैं एंड ओपनली बात करते हैं, एंड आई ऑल्सो फील कम्फर्टेबल। अगर मुझे इसके बारे में बात करनी हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं इतनी भी बोल्ड नहीं हुई हूँ पीरियड्स को लेके कि अपने सॉइल्ड अंडरगारमेंट्स या सॉइल्ड बेडशीट्स की फ़ोटो क्लिक करके ऑनलाइन डालूँ, यू नो, हैशटैग आई ब्लीड करके डालूँ, क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने ये शुरू करा था एंड आई थिंक ये एक डेस्परेट कॉल फॉर अटेंशन था और कुछ नहीं था ये, बिकॉज सम थिंग्स दे डोंट नीड अ डिस्प्ले एंड पीरियड्स इज़ वन ऑफ देम। ये आपको होता है, सबको पता है, वुमेन ब्लीड फॉर 3 to 7 days, सबको पता है, एंड इसको डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई फील, मेरे को ऐसा लगता है। तो इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। आई थिंक मैं शुरू में बोलना भूल गई कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, सो ये बेसिकली वैसे मैंने बताया पीरियड्स के लिए होता है ये, एंड इसमें 67 जड़ी बूटियाँ हैं, एंड 67 इज़ अ ह्यूज नंबर, 67 जड़ी बूटियाँ हैं एंड वो सारी मेंशनड है। मैं फ़ोटो इंसर्ट कर दूंगी सो यू कैन रीड क्लियरली कि क्या लिखा है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है अशोक ट्री की बार्क, ओके, एंड इसकी प्राइस है 215 रुपीज़, और ये है 190 ml इन क्वांटिटी। ओके, सो पीरियड्स में सब लोगों के सिम्टम्स अलग होते हैं, किसी को हेडेक होता है, किसी को बॉडी एक होता है, किसी को एब्डोमिन एक होता है। लाइक अगर मुझे मेरी बात करनी है तो मुझे लोअर एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इट्स एक्सट्रीम पेन, एंड ऑल्सो मेरे को लेग्स में क्रैम्पिंग होती है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उल्टी जैसे सेंसेशन भी होती है ऑन ड्यूरिंग माई फर्स्ट डे, कुछ खाया नहीं जाता ढंग से, तो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं एंड सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। एंड मुझे पेन होता है तो जैसे मैंने पेन रिलीफ रोल ऑन का सब रिव्यू कर रखा है, मैं वो यूज़ करती हूँ, दैट इज़ प्रीटी इफेक्टिव। एंड ये है जैसे ये आपको डेली लेना है, एंड ये ऐसी चीज़ें आई ऑलवेज सपोर्ट ऐसी चीज़ें रैदर दैन OTC, over the counter medicines, you should never take a medicine for your periods pain, क्योंकि आई थिंक वो चीज़ों को कुछ हद तक कॉम्प्लिकेट कर देती हैं आपकी बॉडी को। आपको जितना हो सके पीरियड्स पेन के लिए आपको आयुर्वेदिक या कुछ रोल ऑन टाइप ही यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट विल बी मोर इफेक्टिव और विद जीरो साइड इफेक्ट्स। तो इसको लेना कैसे है मैं बताती हूँ। इसको हमें लेना है 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट डिनर के बाद या लंच डिनर के बाद आपको इसे लेना है 10 ml। इसके अंदर एक मेजरिंग कप है छोटा सा, मतलब मैं ये पीती हूँ तो इस वजह से आई नो। ओके, लेट्स ओपन दिस। तो दिस इज़ द बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल है ये, एंड इसके ऊपर एक ये मेजरिंग कप है, एंड दिस इज़ 10 ml। ओके, एंड इसके साथ, ओके, इसके साथ दो आई शो यू, इसके साथ दो टैबलेट्स की स्ट्रिप्स फ्री हैं, यू नो, ये दो फ्री हैं इसके साथ, दीज कम विद द पैकेजिंग, एंड ये है आयुर्वेदिक, आई थिंक देयर इज समथिंग मेंशनड, हाँ, 20 doses, 10 days टैबलेट्स, 20 doses फ्री, ये आपको एक दिन में दो खानी है, तो ये 10 दिन का पैकेज रेडी है। एंड इसके अंदर एक बुकलेट है, एक स्मॉल एक लीफलेट काइंड ऑफ थिंग है, जिसमें इसी ब्रांड के बारे में काफ़ी कुछ बोला गया है, या एंड यहाँ पे कुछ लोगों के रिव्यूज़ हैं आफ्टर ड्रिंकिंग दिस टॉनिक, या सो पीपल आर टेलिंग अबाउट देयर इश्यूज़ एंड कैसे ये इसको ठीक करता है। आपको इसे कंटिन्यूसली 3 महीनों तक तो लेना ही है टू सी द रिजल्ट्स, बिकॉज आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक चीज़ें रिजल्ट्स दिखाने में टाइम लगाती हैं, दिस इज़ नॉट एलोपैथी जो कि एकदम रिजल्ट दे दे, टाइम लगता है बट पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है, दैट्स व्हाट आई एम श्योर अबाउट।
एंड टैबलेट्स आपको 1 से 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार भोजन के बाद पानी के साथ लेनी है। बॉटल में भी सब कुछ मेंशन्ड है एंड ऑल्सो एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी आना चाहिए था इसके साथ, क्योंकि ये लिखा बहुत सही है। तो बेसिकली ये आपके एब्डोमिनल क्रैम्स, पेल्विक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, क्रैंकीनेस, बैकएक, इस सब के लिए इफेक्टिव रहेगा। मुझे एनीमिया भी बहुत लड़कियों को होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, खासकर जब उनके पीरियड्स जस्ट शुरू होते हैं तो काफ़ी गर्ल्स दे अंडरगो एनीमिया, क्योंकि ब्लड लॉस एकदम होने लगता है। तो उसको रिकवर करने के लिए इधर यू नीड टू टेक आयरन कैप्सूल्स या फिर ऐसा कुछ ड्रिंक, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड इसमें और बैक है, क्रैंकिनेस सबका यही इलाज है। क्रैंकिनेस, मूड इरिटेबिलिटी तो मेरे साथ बहुत होती है ड्यूरिंग माई पीरियड्स। आई थिंक दिस विल हेल्प मी अ लॉट। मैं वैसे भी इसको लेने लग गई हूँ एंड आई कंटिन्यूसली टेक इट। तो इसको शेक करें एंड इसका टेस्ट अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मीठी चीज़ नहीं है, लाइक इंग्रेडिएंट्स पे कुछ भी हनी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका टेस्ट बहुत कड़वा है। अगर आपने कभी साफ़ी वगैरह ट्राई किया है तो साफ़ी से भी कड़वा है, इफ़ आई हैव टू पुट इट इन ईजी वर्ड्स, साफ़ी से भी कड़वा है। एंड द स्मेल इज़ वेरी स्ट्रांग, इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग स्मेल, लाइक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ स्मेल। ओके, सो ये मैं 10 ml लेके आपको पी के दिखाती हूँ। ये है, देख लीजिए आप, टॉनिक। एंड टेस्ट टेस्ट इज़ नॉट दैट गुड, बट ठीक है, ऐसे ही होता है। आयुर्वेदिक थिंग्स, आयुर्वेदिक चीज़ों का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो क्या हो गया, इफेक्ट्स आर गुड। सो चीयर्स। इट्स ओके, अब तो साफ़ी जैसा ही लग रहा है। मैंने साफ़ी काफ़ी टाइम पिया हुआ है, व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई गेस मैंने साफ़ी काफ़ी पिया हुआ है, बट साफ़ी इज़ ऑल्सो गुड। एंड इसका टेस्ट भी साफ़ी के बराबरी का ही है। एंड ठीक है, लाइक वंस इट गोज़ डाउन, इट्स ओके। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि इसमें अगर आपको लगेगा कोई इफेक्ट नहीं होगा तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नो, दिस इज़ नॉट फॉर योर एक्ने और पिंपल्स, ये उसके लिए नहीं है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साफ़ी जैसा नहीं है कि आपके स्किन को क्लियर कर देगा या आपके फेस को ब्राइटन कर देगा। नो, दिस इज़ जस्ट फॉर योर पीरियड्स। तो अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए मैं ये 100% सजेस्ट करूँगी कि आप ये पक्का यूज़ करिए, ये आपको इफेक्ट ज़रूर देगा। और ये टैबलेट्स की जहाँ तक बात है, इसको आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बट अभी जैसे कि मौसम बहुत गर्म है एंड आयुर्वेदिक चीज़ें थोड़ी सी गर्म होती हैं, तो आई वुड सजेस्ट अगर आप ये लेते हैं तो ये दोनों एक साथ मत करिए कि आप ये भी खा रहे हैं और ये भी ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा। तो बेटर इज़ कि इधर यू गो फॉर दिस वन, और या फिर आप पहले टैबलेट्स ट्राई करके देख लीजिए, जैसे भी आपको सूट करे। ओके, एनी वेज, तो ये मेरा छोटा सा टेक था ऑन सच्ची सहेली। दिस कैन बी योर सच्ची सहेली, आपकी ट्रू फ्रेंड बन सकती है ये। तो दैट वॉज इट, मैं आपसे अगली बार मिलती हूँ किसी नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब, एंड आई लव यू ऑल।